प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये महामारी पूरी दुनिया में पहली बार आई है और इसके लिए हमें जानकारों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आज प्रदेश के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अगले एक महीने को लेकर तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह से कार्य किया जाए ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज लोग डरे हुए हैं कि कोरोना का मरीज किस हालत में रह रहा है, सरकार को इसको लेकर पारदर्शिता करनी चाहिए। जीएस बाली ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि लोगों को अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर सरकार को सुविधा प्रदान करनी चाहिए और जो कोरोना के मरीज हैं उनके वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाएं और उनकी डिस्प्ले उनके साथ आए परिजनों को दिखाई जाए, ताकि परिजनों को भी पता चल जाए कि उनके मरीज का सही इलाज हो रहा है या नहीं। वहीं इमरजेंसी में भी अस्पताल प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए कि वहां आए सभी लोगों का इलाज हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है वो चिंताजनक है और उसे नियंत्रण करना चाहिए। वहीं जीएस बाली ने कहा कि मामले की गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए और इसे देखते हुए आगामी रणनीति बनानी चाहिए। सरकार ताली बजा के कोरोना भगाने की बात करती है, जो गलत है। बाली ने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर किसान मांग कर रहा है कि कानून वापस लिया जाए तो सरकार को चाहिए कि मामले की गंभीरता को समझे। वहीं उन्होंने सरकार के विपक्ष पर उठाए सवाल पर बोला कि जहां सरकार गलत करेगी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वहां खड़ा रहे और हम किसानों के साथ हैं। अभी किसान अपना आंदोलन खुद लड़ रहे हैं, जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता में कहा कि आज स्थिति इतनी दयनीय है कि धर्मशाला अस्पताल से टांडा जाने के लिए 100 कोविड पेशेंट तैयार हैं और टांडा अस्पताल में पहले से 50 मरीजों का इलाज चल रहा है। धर्मशाला के 100 मरीजों को शिफ्ट करने तक की सुविधा सरकार के पास नहीं है। ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार की क्या योजना है, क्या स्टैंड है, सरकार स्पष्ट करे। नहीं तो बेरोजगारों को तो ये ठग ही रहे हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते। अब ये जो बिजली के लिए हुए एक एक साल हो गया, एक साल के बाद अब शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ये वाला सर्टिफिकेट ला, किसी को कह रहे हैं ये वाला ला। तो ये बिल्कुल इनकी नियत करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, नियत साफ नहीं है। ये अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कोरोना का नाम लेके कि अगर विकास सिर्फ अंग्रेजी में या हिंदी में लिखना हो तो 5 ही वर्ड है ना, और विकास करना हो तो इसके लिए कई वर्ष लगते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, अब तो ये टाइम आ गया कि कोई हमें बड़ी चीज दिखा दे मस्त एरिया में, तो फिर हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री ने विकास किया है। आपके सामने कहा था बड़ी गेज की ट्रेन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, नेशनल हाईवे बन जाएगी, कौन सा काम हुआ मुझे एक आप लोग बता दो कि आपके चश्मे से ही कोई काम हुआ हो, हमारे तो नहीं। अरे ये है कि हम थाली बजाए और ताली बजाए ना, मुख्यमंत्री कहते हैं ताली से कोरोना मर जाता है, तो साइंटिफिक बात करना चाहिए कोई। आज पूरी दुनिया इंजेक्शन के लिए दौड़ रही है, उसके लिए क्या आपका प्लान है उसकी बात करें, उसकी डिस्कशन हम कर सकते हैं। थाली और ताली की कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। कांग्रेस ने कौन सा काम किया है उनको सचेत करना हमारा काम है। वो अपनी नींद में रहेंगे तो लोगों के पास जवाबदेही देना पड़ेगी। अगर हमारा काम है उनको ठीक समय पर ठीक बात बताना, वो हम कर रहे हैं। आपकी ये जो दुर्दशा थी नहीं होनी थी, आप लोगों ने कोई सिस्टम का काम नहीं किया, आने बिना सोचे समझे रात का कर्फ्यू लगा दिया। सरकार विनम्र है कि आप एक दिन पहले कर्फ्यू लगाने से बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, अपना जंतर तंतर सरकारी तंत्र की ताकत दिखाते हो, और जब फैल जाता है तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है मेन, उनके पास भी लोग आते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, लोग असहाय की तरह हॉस्पिटलों में घूम रहे हैं। कल भी एक शिकायत आई है कि एक आदमी की आंख निकल गई, वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करा तब अंदर आना हॉस्पिटल पे। भैया ये जिसकी आंख निकल गई उसको इमरजेंसी
वो तो दो, इमरजेंसी की आप हेल्प नहीं कर पा रहे, आपका स्वास्थ्य डिपार्टमेंट डगमगा गया है, आप एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम नहीं कर पा रही कि कैबिनेट सवेरे कुछ फैसला लेती है अगले में बदल देते हैं। ये बड़ी दुख की एक और चैलेंज की घड़ी आई है। हम इसमें सरकार को ये नहीं कह रहे, सरकार को कह रहे संभल के चलो और अपने लोगों को बचाओ, और अगर आपको एक्सपर्टी नहीं है तो किसी से एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो, उनसे एक्सपर्टीज लो, उसके लिए शर्माने की बात क्या है। आपके पास हम जानना चाहेंगे, 100 बार बोल चुके हैं, आपके माध्यम से बोल चुके हैं कि हमें बताओ कि कितने बेड आपके पास है। मेरी सूचना के मुताबिक 100 से ज़्यादा पेशेंट धर्मशाला में इंतज़ार कर रहे हैं टांडा शिफ्ट होने के लिए, उनकी शिफ्टिंग नहीं हो रही क्योंकि टांडा में ऑलरेडी 40-50 पेशेंट हैं। इस कोरोना के काल में आप लोगों को बार बार परेशान करना पड़ रहा है क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग सरकार को अपना संदेश दे सकते हैं, सरकार के सामने लोगों की परेशानियों को रख सकते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोरोना का मेन जो बिगड़ती हुई हालात है हिमाचल प्रदेश में उसके ऊपर है, और हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सुबह फैसला कुछ लेती है और शाम को शाम होते होते अपने फैसले जो है वो बदल देती है। और जो हमें फीडबैक आ रहा है पेशेंट से कि दुर्दशा है पेशेंटों की, जो हॉस्पिटल में जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, और जो उनके अटेंडेंट है उनका सबसे बड़ा कहना ये है कि हमारी दुर्दशा इसलिए हो रही है कि हमें बाढ़ में छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो अटेंडेंट के जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं वो नीचे बैठे हैं, उनका और डॉक्टरों का जब पेशेंट के साथ कोई वार्तालाप है नहीं, कोई कम्युनिकेशन है नहीं,